अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महर इकबाल। हम दोनों बहने हैं और चाइना के शहर वुहान में हैं, जहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ। सो हम आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पहले ये वायरस वुहान में था, वुहान से ये आज दुनिया भर में फैल चुका है। और आप सबसे ज़्यादा जो आज हमने कंडीशन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस और सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन जो है वो इटली है। इटली के लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। और आज मैं जब ये चीज़ों को देखती हूँ कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है। आज हम जब देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टिल इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और ये कोई फेस्टिवल नहीं है, प्लीज़ हमें ये जो अभी हुई है ये जमाई वेकेशन, तो हमें यहाँ पे ये कोई फेस्टिवल नहीं है। अभी आप लोग नानी दादी फूफो के घर पे ना जाएं, बल्कि अपने आप को आइसोलेट कर लें। और जो है जिस तरह यहाँ वुहान के बच्चों ने, यहाँ के एक एक शहरी ने किया है, क्योंकि ये हमारी बेहतरी के लिए है। ये जो हमें रूल्स और इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, सो प्लीज़ उसे फॉलो करें, क्योंकि जो है अभी हम देख सकते हैं इटली के क्या हालात है, क्या कंडीशन है वहाँ पर। एक दिन में 627 डेथ हो चुकी है वहाँ पर। और WHO ने भी अभी वार्निंग दे दी है, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने अगर यही सूरत हाल रही, वहाँ की आवाम ने हुकूमत का साथ नहीं दिया सेफ्टी प्रिकॉशंस को, और जो आवाम मतलब पाकिस्तान हुकूमत जो रूल्स बता रही है उसको फॉलो नहीं किया, तो बहुत वर्स्ट हो सकता है। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, इसे सीरियस लें और सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। और जो हुकूमत बता रही है कि बाहर ना जाएं, गैदरिंग ना करें, गैर ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो ना जाए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ इमरजेंसी तो सूरत में निकला जाए, गैर ज़रूरी बाहर सिर्फ ये देखना हालात कैसे हैं। और रेस्टोरेंट्स को अब तो हमने अपने सराउंडिंग लोगों को देखा है, हमें ये न्यूज़ मिलती है कि जो है हम जो है मतलब दादा दादी नाना नानी के घर जा रहे हैं, ये वक्त गैदरिंग का नहीं है। छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, सो ये छुट्टियाँ हमें आइसोलेशन के लिए मिली है कि लोग अपने घरों पे अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और प्लीज़ इसे नॉन सीरियस ना लें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने अपनी आंखों से इसके वायरस के पेशेंट्स देखे हैं, नहीं तो हमें पता है क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ है। और अगर अभी तक लोगों ने नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ इसे ये ना समझें कि ऐसा कोई वायरस नहीं है, वायरस है, प्लीज इसे सीरियस लें। और अगर अल्लाह ताला ने अभी तक आपको महफूज रखा है तो शुक्र अदा करें और अपनी फैमिली का और अपने मुल्क का सोचें। हम जानते हैं कि हमारा मुल्क की हमारी इकोनॉमी इतना और हमारी मुल्क की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पर ये टाइम है कि हमारी आवाम को अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये टाइम अब किसी को ब्लेम करने का नहीं है, ये टाइम है कि हम सबको मिलके एक हमें अगर देखें, आज चाइना में वुहान शहर में जीरो केसेस हो गए, ये एक गुड न्यूज है कि चाइना के शहर वुहान जहां से आउटब्रेक हुआ है वो आज यहाँ जीरो केसेस हो गए हैं। अगर लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर, लेकिन स्टिल यहाँ पे सब लॉकडाउन है, यहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वो भी जीरो केसेस होने के बाद यहाँ की टीचर्स ने 1 आवर्स के लिए हमें परमिशन है, हम नीचे जाते हैं और अपना थोड़ी देर के लिए वहां पर नीचे उतरते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। हमें ये बिल्कुल ऐसी फ्रीडम नहीं है कि हम 60 डेज तक आइसोलेशन में रहे और अब तक स्टिल हम रह रहे हैं। स्टिल मैं और महर इधर इस बिल्डिंग में अकेले हैं, मैं और महर अकेले ही इस चीज को फाइट कर रहे हैं और हमने इतनी कुर्बानी दी और स्टिल हम आज तक कुर्बानी दे रहे हैं। वुहान में रहने वाला एक एक बच्चा कुर्बानी दे रहा है। हमें अपना मुल्क, हमें अपनी फैमिली बहुत याद आती है, लेकिन जब अपने मुल्क को देखते हैं तो कुछ लोग तो इस तरह है कि इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। खुदारा प्लीज, ये मैसेज हमारा बनाने का, वीडियो बनाने का यही हमारा एक मोटिव था कि प्लीज इसे सीरियस लें, ये जोक नहीं है, और जो है प्रिकॉशंस को फॉलो करें। इटली जो है कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, वो बहुत डेवलप कंट्री है, सो वहां पे सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि वहां की आवाम ने भी इसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि देर ना हो और हमारी आवाम को समझ आ जाए कि ये मजाक का वक्त नहीं है, ये फुप्पो और अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने का वक्त नहीं है। अपनी फैमिली के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, और जो इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं उसे काइंडली फॉलो करें। इसमें ही सबकी, हमारे मुल्क की बेहतरी है, इसमें सबकी बेहतरी है, बेशक यही है, क्योंकि ये बात तो है, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अपना भी ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग लोगों का ख्याल रखें, हम वुहान के बच्चों के लिए भी प्लीज सोचें, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब हम लोग इस तरह की अगर सिचुएशन सुन दें पाकिस्तान के लिए तो हमारा दिल दुखता है, बेशक।
तो प्लीज हमारे लिए भी दुआ करें, यहाँ पर स्टिल सब कुछ लॉकडाउन है और इंशाल्लाह सब बेहतर बेहतर होगा। हो जाएगा, हो रहा है और मजीद हो चुका और दुनिया भर में होगा। बस थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस को और इन चीजों को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा। अलग पैनिक ना हो, पैनिक ना हो, बस ये है कि जो प्रिकॉशंस बोली जा रही उसको है आप फॉलो फॉलो करें करें और अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। हमारे लिए इंशाल्लाह, भी दुआ करें और हम भी आप सबके लिए दुआगो दुआ हैं। करते हैं। बस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो फॉलो करें, लेकिन कुछ लोग स्टिल अब तक हैं जो इसको मजाक समझ रहे हैं। मजाक ना समझें, ये बहुत सीरियस मैटर है। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हम इस वीडियो को भी यहाँ एंड करते हैं। बस हमें एक वीडियो में एक मैसेज देना मैसेज था देना चाहते थे, अपना जो कि बस आप तक दे दिया है हमारा, बस यही कहेंगे। और बस ख्याल ख्याल रखें, रखें, बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ दुआ करें। करें, इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।